नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ सात रामबाण उपाय जो 5 मिनट में असर दिखाते हैं, खर्चा 1 रुपया नहीं होता। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं से बहुत परेशान हैं तो लाल किताब तथा तंत्र मंत्र की किताबों में दिए गए इन उपायों को करने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। इन उपायों में ना तो कोई खर्चा होता है और ना ही 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय। जब भी आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। हाथ में कुछ ना कुछ लेकर ही घर में प्रवेश करें, चाहे वो किसी पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। इससे घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। रोजाना चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा खिलाएं, इससे किसी भी कारण से आने वाला बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। तीसरा, रोज सुबह उठने के तुरंत बाद सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर तीन चार बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग मणिकर्ण भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से किस्मत चमक जाती है। चौथा, अपनी आर्थिक परिस्थिति अनुसार कुछ पैसे चाहे तो 1 रुपया ही लेकिन फिर रोज 1 रुपया ही चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करें, परंतु इसका उल्लेख किसी के भी सामने ना करें। 45 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करने से मुकदमों तथा कोर्ट कचहरी संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पांचवा, रोज सुबह 7 अलग अलग तरह का अनाज मिलाकर पक्षियों को चुगा डालें। 45 दिन तक इस प्रयोग को करने से सभी आर्थिक परेशानियां दूर होकर घर में पैसा आने लगता है। छठा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगातार 45 दिनों तक झाड़ू पोछा लगाएं। इसके साथ ही मंगल स्नान नमक और शुद्धि से स्नान करें। इस उपाय से शत्रु तुरंत शांत होते हैं और आपके घनिष्ठ मित्र के समान व्यवहार करने लगते हैं। सातवां, किसी भी शुभ मुहूर्त में एक खोपरा गोला लेकर उसके सिरे पर चाकू से छेद कर अलग रख लें। उसके बाद आटा घी सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर छेद किए हुए खोपरे गोले में भरकर जमीन में जाकर गाड़ दें। इस प्रयोग करने से दैनिक जीवन आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।